हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। आज हम जानेंगे नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे कि अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब तक है, इसे कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, इसको भरने की अप्लाई मोड क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब टाइप क्या है, अप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग कब से हो रहा है फॉर्म भरने का डेट, ये सारे डिटेल्स हम इसमें जानेंगे। हमने ये नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के रूल बुक को खोल के रखा है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन रूल बुक। ये आप देख सकते हैं, ये रूल बुक है इसके। ये रूल बुक है, ये हम देख सकते हैं। फॉर सेलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थ्रू ऑनलाइन रिटन टेस्ट, अर्थात इसका सेलेक्शन जो है रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम इसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। डिटेल्स ऑफ CHO, डिटेल्स ऑफ CHO पोजीशन, यानी पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिशर्स, पोजीशन कोड है CHO NHMMP, टोटल सीट 3800 है, अनरिजर्व 1026, अनरिजर्व EVS 380 सीट्स हैं, ST के लिए 760 है, SC के लिए 608 है, OBC के लिए 1086 है और PH के लिए 228 है। अब हम देख सकते हैं ये एनी कैंडिडेट विथ लोकेशन डिसेबिलिटी वर अलाउड अंडर द कैटेगरी। इन सभी डिटेल्स को हम विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर www.nrhmmpgovernment.in या www.sams.co.in पे इसके जनरल इंस्ट्रक्शन, इस साइट पे जाके हम देख सकते हैं इसके फॉर्म भरने के जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, रिटर्न एग्जाम डेट कब है और ऑनलाइन एडमिट कार्ड या हॉल टिकट इंफॉर्मेशन, इन सभी से रिलेटेड जानकारी हम इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, फॉर्म भरने की डेट 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट अक्टूबर 8 यानी 8 अक्टूबर 2020 है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं यह फॉर्म भर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 1, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली, अर्थात BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है या जिन स्टूडेंट पोस्ट बेसिक BSc हैं या फिर जिन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली से कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ रिकॉग्नाइज कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने यहाँ से कर रखा है तो वह इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। साथ ही अब देख रहे हैं विच फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड 2021 सेशन, और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, जो BSc ही के फाइनल ईयर एग्ज़ाम में हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, द कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड 2021 सेशन, अर्थात जो कैंडिडेट फाइनल ईयर 2021 सेशन के स्टूडेंट हैं उन्हें जो है फॉर्म भरने के साथ एक प्लीज़ रिफ़र अपेंडिक्स के नाम से एक फॉर्म दिया गया है, वो भरकर प्रिंसिपल की नर्सिंग कॉलेज से सिग्नेचर और सील करवाकर उसको साथ में अटैच करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
एज लिमिट पे, एज लिमिट 21 से 40 इयर्स दी गई है और इसकी काउंटिंग 1 जनवरी 21 से की जाएगी। जनरल मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट 21 से 40 इयर्स के जो भी मेल या फीमेल हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही मैक्सिमम 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन किस कैंडिडेट को दिया गया है। मैक्सिमम 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मध्य प्रदेश, इफ़ दे आर डोमिसाइल रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उन्हें यह जो है 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, वोमेन और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट आते हैं, उन्हें 5 इयर्स रिलैक्सेशन अर्थात मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए 45 इयर्स रखी गई है। क्लेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज की काउंटिंग यहाँ 10th पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। अब हम आते हैं सैलरी पर। आफ्टर सेलेक्शन ए कैंडिडेट शैल बी अपॉइंट टू वर्क एज इंटर्न CHO एंड शैल बी पेड स्टिपेंड एट द रेट ₹15,000 पर मंथ प्लस अप टू 7,500 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का सेलेक्शन होने के बाद उन्हें, जब कैंडिडेट का सेलेक्शन हो जाता है तब उन्हें सैलरी के रूप में ₹15,000 प्लस इंटरनल इंटेंसिव 7,500 दी जाएगी। अर्थात उन्हें जो है करीब 22,500 सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अगर वो पास कर लेते हैं और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में उनकी पोस्टिंग हो जाती है तो उन्हें 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी और प्लस 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर इनको 25,000 सैलरी प्लस 15,000 सैलरी दी जाएगी, अर्थात मान लीजिए 40,000 लगभग इनको सैलरी दी जाएगी। साथ ही इसमें एक बॉन्डिंग फॉर्म भी भराया जाएगा जो कि पहले नहीं होता था, इस साल इसमें दिखाया गया है। अ बॉन्ड ऑफ ₹2 lakhs ऑन द स्टाम्प पेपर ऑफ ₹500 मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टू सर्व ऑफ मिनिमम 3 इयर्स एट सब हेल्थ सेंटर HNWVC इन मध्य प्रदेश। जो कि आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें कैंडिडेट से एक फॉर्म भराया जाएगा ज्वाइनिंग के पहले, ₹500 के स्टाम्प पे ₹2 lakh का बॉन्ड भराया जाएगा कि वह 3 साल तक सब हेल्थ सेंटर पर काम करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम आ जाते हैं सेलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। तो एग्जामिनेशन सेलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं, एग्जामिनेशन एंड सेलेक्शन प्रोसेस विल बी डन इन अ कम्प्लीटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू गिव एनी बेनिफिट ऑफ ओवरलुकिंग प्रोसेस बाय एनी इंडिविजुअल। यानी पूरी तरह से यह सेलेक्शन प्रोसेस जो है कम्प्लीटली फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से करवाया जाएगा। इसमें जो है सेलेक्शन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर MSQ बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपकी होगी और इसको ऑर्गेनाइज की जाएगी स्ट्रैटेजिक एलेंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैंडिडेट शुड ओवर व्यू द रूल्स ऑन सेक्शन क्राइटेरिया एंड इंश्योर द एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन। इसमें कहा जा रहा है कि कैंडिडेट इसके रूल को अच्छी तरह पढ़कर फिर फॉर्म भरेंगे।
और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2020 है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन पेपर 100 MSQ क्वेश्चन रहेंगे इसके, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। यहाँ एग्ज़ाम में कोई भी देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फॉर सेलेक्शन कैंडिडेट ऑप्टेंट द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, अर्थात यहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के द्वारा कैंडिडेट का सेलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर 100 MSQ क्वेश्चन ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट की 40 है, अर्थात 100 में 40 नंबर लाना पास करने के लिए कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू द अबव क्राइटेरिया, इफ रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल शॉर्ट देन द नंबर्स ऑफ टोटल पोस्ट, इवेंट मिशन डायरेक्टर NHM MP शैल बी ए कम्प्लीटली अथॉरिटी टू रिड्यूस मिनिमम पासिंग मार्क्स एज नेसेसरी। इन केस ऑफ टाई बिटवीन द टू कैंडिडेट परफॉर्मेंस शैल बी गिवेन एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो द इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने रिक्वायरमेंट कैंडिडेट की पोस्ट निकाले गए हैं, अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, उतने कैंडिडेट पास नहीं होते हैं, तो हो सकता है मिशन डायरेक्टर NHM MP के द्वारा पासिंग मार्क्स कम की जाए। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो नेसेसरी है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंडिडेट, नेक्स्ट इस टॉपिक पर हम देखेंगे कैंडिडेट कैन गिव देयर लोकेशन प्रीफ्रेंस फॉर मैक्सिमम ऑप्टेंस सब हेल्थ सेंटर, यानी कैंडिडेट को 10 सब हेल्थ सेंटर, मैक्सिमम 10 सब हेल्थ सेंटर जो है आपको चूज करके देना पड़ेगा और उन्हीं सब 10 सब हेल्थ सेंटर में से कोई भी एक सेंटर आपको एज ए एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चूज किया जाएगा, आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकेशन। अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है कहाँ कहाँ कौन से सिटी में ली जा रही है। राइट ऑफ टू अटेंड सेलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन सेंटर 6 सिटी में रहेगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन, इन 6 सिटी में आपके एग्जामिनेशन होंगे। कैंडिडेट को यहाँ पर आकर ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।